हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लड़के हो तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सो यहाँ पर देखिए, काफ़ी सारी जो लड़कियाँ रहती है वो अलग अलग डीपी लगा कर रखती है, फेस ढक के, ये वो। तो सॉरी, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ रहती है ना कि आप कैसे पहचाने कि उसकी फेक डीपी है या फिर रियल है। अब सपोज़ ये वाली डीपी ये किसी लड़की ने लगा रखी है एंड आपसे बात कर रही है, तो आपको तो यही लगेगा कि यही है, राइट? सो कैसे, और आप उससे ज़्यादा ज़्यादा बात करेंगे, राइट? सो अगर हो सकता है कि वो लड़का ही हो, राइट? सो अगर आपको ये जानना है कि ये फेक फ़ोटो है या फिर असली, सो उसका सिंपल सा एक तरीका होता है जो कि गूगल ने आपको दिया हुआ है। गूगल आपकी हर तरीके से हेल्प करता है। सो यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है गूगल एंड आपको गूगल के होम पेज पे आ जाना है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इमेज से आप सर्च कर सकते हैं और फ़ोटोज़ उस पर्सन के। तो आप इसको आपके फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि किसी ने डीपी लगाई है तो वो रियल है या फिर नहीं, राइट? तो देखिए, अब जैसे वो लड़की, आप इसको, ये कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं जो आप इसको जान जाएंगे कि अरे ये तो दीपिका है, अरे ये तो आलिया है, लेकिन ये तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, तो आप कैसे देख सकते हैं? सिंपल है, आपको गूगल के होम पेज पर आ जाना है, थ्री लाइंस पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है अपने फ़ोन में, एंड उसके बाद इमेजेस पर क्लिक कर देना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कैमरे का आइकॉन आ जाएगा, कैमरे के आइकॉन पर क्लिक करके अपलोड एंड इमेज पर क्लिक करके चूज़ फाइल पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद उस फाइल को आपको चूज़ कर लेना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। तो अगर किसी लड़की ने डीपी लगा रखी है और वो क्लेम करती है कि दिस इज़ मी, तो आप तब तक यकीन मत करना जब तक उससे वीडियो कॉल ना हो जाए। तो देखिए, जैसे ये फ़ोटो हमने अपलोड कर, तो इससे रिलेटेड फ़ोटोज़ आ गई, रिया सिंह फेसबुक, ये रिया 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 रिया। तो ये जो चीज़ है ना, ये उस लड़की ने फेसबुक से ही इमेज डाउनलोड करी है, ठीक है? दैट्स वाई ये आपको दिख रही है यहाँ पे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस लड़की की फेसबुक प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब देखिए, ये सारे केसेस में नहीं होता है। ये देखिए, अब ये कोई सा होगा, ये किसी ने पेज बनाया होगा फेसबुक पेज, तो उसमें काफ़ी सारे मॉडल्स लड़कियों के फ़ोटो डाले हैं, तो हो सकता है उस लड़की ने गूगल से डाउनलोड करके डीपी लगा ली है, या फिर वो लड़के ने, और वो क्लेम कर रहा है या फिर कर रही है कि दिस इज़ मी। तो आप इसे चेक कर सकते हो। अगर ये सारी अलग अलग वेबसाइट्स पर अपलोड है ये फ़ोटो, ये देखिए अलग अलग वेबसाइट पर भी अपलोड है ये फ़ोटो, तो ये रियल नहीं हो सकती है वो लड़की जो आपसे इतनी आसानी से बात कर रही है, ठीक है? तो आपको सिर्फ वीडियो कॉल पर ही यकीन करना है, ओके? सो ये था वे जिससे आप चेक कर सकते हो फेक फ़ोटो को कि किसी की डीपी असली है या फिर नकली, ठीक है? अगर वो अलग अलग वेबसाइट्स पर हैं तो इट मीन्स फेक है। अब ये कैसे पता लगाए कि रियल है? रियल में भी तो कुछ होगा ना। तो सिंपल है, आपको गूगल पे फिर से यहाँ पर होम पेज पे आ जाना है, इमेज पर क्लिक करना है, इस कैमरा आइकन पर क्लिक करके अब हम एक ऐसी फ़ोटो डालते हैं जो कि रियल हो। तो सपोज़ किस लड़की की डालें, ठीक है? तो मैं अपनी गैलरी में से एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज़ ये मेरी फ़ोटो है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद देखते हैं कि ये क्या बताता है। आप उसकी जगह किसी का फ़ोटो कर सकते हैं, इस फ़ोटो की जगह अपलोड। तो आप देखिए, ये किसी भी वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है ये फ़ोटो, ठीक है? इट मीन्स दिस इज़ रियल पर्सन। अगर किसी वेबसाइट पर आपको इमेज नहीं मिलती है, इट मीन्स दैट इज़ रियल पर्सन, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी हो सकता है उसने उसकी फ्रेंड वगैरह का, या फिर लड़का है तो किसी लड़की का फ़ोटो लगा लिया उसके आसपास वाली का, तो भी आपको वीडियो कॉल पे यकीन करना है। लेकिन इससे आप 80% तक जान सकते हैं कि वो फेक है या फिर नहीं, ऑल राइट? एंड कुछ कुछ रहता है ना कि कुछ कुछ लोग जो है वो आर्मी वालों का फ़ोटो लगाकर बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, तो उनका भी फ़ोटो आप ऐसे चेक कर सकते हो।
अगर कोई आपको OLX से कॉल कर रहा है कि मुझे फ़ोन चाहिए, मैं आर्मी में हूँ, ये वो, तो आप डायरेक्टली उनका जो फ़ोटो है यहाँ पर अपलोड करके चेक कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट पर अपलोड है, इट मीन्स वो इंसान फेक है 100%, और अगर नहीं है तो वो जेन्युइन हो सकता है। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर आपकी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।